चौधरी साहब क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, कोई देश में आरक्षण खत्म कर पाएगा? कोई सवाल पैदा नहीं है। अरे सुनो, तेरा अपना व्यक्तिगत है, तेरा व्यक्तिगत है, पर मेरी बात सुनो। सुनो, आप क्या बेटे तुम्हारे? दो बेटे, एक को पूरा हिस्सा दे दे, एक को दिए, बतला तो बराबर सबको हक मिलना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, बराबर कैसे मिलेगा? सर नहीं, अभी देखो, अरे भाई उनका वो एग्जाम होता है। अरे भाई एग्जाम होता है, अभी एसडीएम का एग्जाम हुए थे, सारे ब्राह्मण और ठाकुर आ गए। कौन सा नियम है क्या? और जातियों में क्वालिफाइड बंदा नहीं है? नहीं मेरे पास, अभी सुनो, बुंदेलखंड में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रखे गए, सारे राजपूत रख लिए, दो चार ब्राह्मण रख लिए, कास्ट रख लिया, और है ही नहीं। क्या बात कह रहे हो? साकेत में वो यूनिवर्सिटी में, सुनो, बालिया यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम प्रोफेसर था, जितने ब्राह्मण थे उनसे ज़्यादा टैलेंट था। मैं कहा नहीं, मुसलमान नहीं पढ़ाएगा, क्यों नहीं पढ़ाएगा, उसको ज्ञान है उसको। तो ये कहां ले जा रहे हो? मैं तो ये नहीं, बड़े जी बात भी तो तुम तो वही बात कर रहे हैं, और वो लिखाड़ा भी नहीं गया। ये नहीं, नहीं, हाँ, ये सबसे पहला आरक्षण 1906 में छत्रपति साहू ने करा था। सबसे पहले जो आरक्षण, आरक्षण बहुत स्पेशलिस्ट आप लग रहे हैं। नहीं, छत्रपति साहू ने करा था उनके, देखिए ब्राह्मण सारे नाराज हो गए थे कि भाई, और सबसे पहले छत्रपति साहू ने ही उसकी हरिजन के दुकान पर से चाय पी, राजा था, सारे उनमें 90% ब्राह्मण, और ये कागज तो क्या भाई? नहीं मेरी बात सुनो, ब्राह्मण कितने परसेंट है? नहीं तुम बताओ, तो पहले स्टडी करके आओ। परसेंट है ब्राह्मण कितना है? 21%। अरे 21% नहीं है, ब्राह्मणों की संख्या 6-7%। वही तो कह रहा हूँ, स्टडी करके आओ। किसानी तो बात वो कर रहे हो, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हो गए, पैसा आ गया तो उनका आरक्षण खत्म। अरे आरक्षण किन्होंने लागू करा? मेरी बात सुनो, राजा थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, मंडल आयोग लागू करा राजा होते हुए। सुनो सुनो, अर्जुन सिंह, अरे सुनो सुनो, आरक्षण के ऊपर जो आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, आरक्षण से पहले हमारे देश में शिक्षा नीति जो वो एक समान होनी चाहिए, अगर आरक्षण खत्म किया जाए तो शिक्षा नीति एक समान करने के बाद हो, वरना जाति का आरक्षण अलग अलग होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जब पढ़ाई में पैरिटी नहीं है, एक समान शिक्षा सबको नहीं मिल रही है, एक समान सबके बैकग्राउंड नहीं है, कोई 12 किलोमीटर दूर जाके पढ़ रहा है, कोई खाने के लिए पढ़ने जा रहा है, और कोई को गाड़ी छोड़ने जा रही है, दो ट्यूटर लगे हुए हैं, और उसके बाद एग्जाम एक ही देंगे और कहेंगे सबको बराबर का मौका दिया जाए। आरक्षण जो लोग समाज में पिछड़े हैं, हमारे संविधान में ये बात जो कही गई, लेकिन एक बात बाबूजी आप ये भी तो मानेंगे कि कुछ जातियां या कुछ वर्ग जो आरक्षण पाने के बाद सामान्य वर्ग से के बराबर पहुंच गए, या उनको बाहर, या क्रीमी लेयर, ये सबको थोड़ा कठोरता से लागू करते रहना चाहिए। कुछ ही लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग तो हमेशा नीचे ही रह जा रहे हैं। चंद लोग उठाते हैं जो आगे पहुंच गए, फिर वही उठाते रहते हैं, लेकिन इसमें जो है ये थोड़ा फेरबदल आरक्षण में, जो सबको जिनकी जिनको जरूरत है इसकी, उनको मिलना चाहिए। अच्छा छोड़िए, आरक्षण पर बात नहीं कर रहे हैं हम बाबूजी, वो तो बात, अब जीएसटी पे आ जाओ। जीएसटी का एक रूल होना चाहिए, किसानों को जब ट्रैक्टर लेगा तो 18% जीएसटी, जब उसका टायर खरीदेगा तो 28% जीएसटी। ये क्या मतलब? ट्रैक्टर का टायर घिस गया तो उसको 28% जीएसटी देनी पड़ेगी? सब चीज बच्चों के खिलौना से लेकर हर चीज पर लगा दिया जीएसटी। अच्छा एक बात बताइए, मैं आया हूँ इंडिया और एनडीए के बारे में। रंजन जी, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे आपको बहुत शुक्रिया। मैं आया इंडिया और एनडीए के बारे में पता करने। हाँ जी बोलो, किसका माहौल है? माहौल इंडिया का है, वो सामाजिक कल्याण के लिए लड़ रही है, और ये सामाजिक कल्याण को छीन रहे। जैसे रेलवे है, स्पेशल रेलवे रख दिया, किराया कर दिया 10 रुपये से 30 रुपये, गाजियाबाद का बारीपास 10 किलोमीटर का, ये कौन सा अच्छा नियम है?
पेंशन सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन 2019 में लागू कर दी भाई, प्राइवेट कर्मचारियों को पेंशन बढ़ा कर दी जाए। वो अब मेरा समय खत्म हो रहा है बाबूजी, आप रह जा रहे हैं, बस जल्दी से बताइए कि इंडिया और एनडीए में माहौल क्या आपको दिखाई दे रहा है? मोदी है जी, मोदी उनका सुन रहे हैं? वो तो सुन रहे हैं, तो एक आधा ये डीलर है, ये तो दो नंबर के आदमी है, तो ये डीलर है। किस बात का? जमीन की बेचा खाचे, ये दो नंबर काम बंद होगा तो ये तो कट रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आपको? अच्छा, और अच्छा ऐसा है कि चौपाल आपकी लगी है, आप लोग आपस में बात कीजिए, हमारा काम खत्म हो गया और हमारा इस समय भी खत्म हो गया। बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में कहीं दूसरी जगह से फिर मिलेंगे। कैमरामैन अजय के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24, नोएडा।